बचे हुए चावल से पुलाव बनाने के लिए दो कटोरी मेरे पास उबले हुए और बचे हुए चावल हैं, आधा कटोरी हरे मटर के दाने, एक गाजर अच्छे से छील के धो के और काट लिया इस तरीके से, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटे, एक आलू छील के धो के और इस तरीके से स्लाइस कर लिए। इसके अलावा नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लूँगी, आधा चम्मच जीरा, दो चम्मच तेल, कोई भी आप तेल ले सकते हैं, इन सब के अलावा कोई भी आप मसाले डालना चाहें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, मैं सिर्फ नमक और लाल मिर्च डालूंगी, आप चाहें तो धनिया पाउडर जीरा पाउडर कुछ भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सब्जियां भी आप अपने हिसाब से गोभी ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे, तेल डालेंगे, कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए, थोड़ा सा तेल को पहले गर्म कर लें, तेल के गर्म होते ही डालेंगे जीरा और जीरे को भून लेंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, जीरा हमारा भून चुका है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, तो मैं एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहें तो हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं बारीक काट के, और साथ में डाल देंगे कटी हुई सब्जियाँ, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को एकदम कम करेंगे और एक मिनट इनको अच्छे से भून लेंगे कम आंच के ऊपर। लगभग एक मिनट के बाद में आधा गिलास पानी इसमें डालेंगे ताकि सब्जियां पक जाएं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में ढक्कन लगा देंगे और गैस कम ही रखेंगे कम आंच के ऊपर। लगभग 10 मिनट तक उबालना है हमें ताकि सब्जियां अच्छे से पक जाएं। तो चलिए चेक करते हैं सब्जी, एक बार तोड़ के देख लें आलू गाजर पके हैं कि नहीं। ये देखिए अच्छे से पक रहे हैं, ये देखिए गाजर को भी चेक करें, ये देखिए अच्छे से टूट रही है। तो आलू गाजर मटर हमारे पक चुके हैं, गैस एकदम कम रखी है मैंने और यहाँ पे 10 मिनट लगे हैं मुझे कम आंच के ऊपर सब्जी को पकने में। और आखिर में अब डालेंगे चावल जो पहले से उबले हुए हैं, और आखिर में डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, लगभग आधा चम्मच यहाँ पे लगा है। अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को कम ही रखेंगे, हल्के हाथ से इसको मिक्स करें और इस स्टेज पे एक बार आप चख लें, नमक आपको कम लगे तो थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में ढक्कन लगा के सिर्फ 2 मिनट तक कम आंच पे रखेंगे ताकि चावल भी हमारे अच्छे से गर्म हो जाएं। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, चावल हमारे अच्छे से गर्म हो गए हैं, एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और सर्व करेंगे। जी तैयार हो गया है बचे हुए चावल से पुलाव, इंजॉय करें। ऊपर से आप चाहें तो हरा धनिया डाल सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया मैं ऊपर से छिड़क रही हूँ। तो एंजॉय करें पुलाव बचे हुए चावल से।